पर्यटन विकास निगम के होटलों में पर्यटकों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। होटलों में किसी भी पर्यटक के साथ कोई वारदात हो जाए तो सबूत के तौर पर कोई तथ्य आपको नहीं मिलेंगे। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए लगे हुए हैं, वहीं सीसीटीवी कैमरे की गतिविधियां देखने के लिए मॉनिटर भी बंद पड़े हुए हैं, लेकिन अधिकारी आंख मूंदे बैठे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पर्यटन का हब है, देश और दुनिया के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। पर्यटन विभाग भी सभी को पधारो हमारे देश के मनोहार के साथ स्वागत करता है, लेकिन हर पर्यटक ये उम्मीद करता है कि विभाग उनके सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर्यटन विकास निगम की होटलों में पर्यटकों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। होटलों में किसी भी पर्यटक के साथ कोई वारदात हो जाए तो सबूत के तौर पर कोई तथ्य नहीं मिलेंगे। विभाग की ओर से सिर्फ 8 से 10 होटलों में ही सीसीटीवी लगाए गए हैं। जिन होटलों में सीसीटीवी लगे हैं, रखरखाव न होने की वजह से वो भी बंद पड़े हैं। उदयपुर, जोधपुर और जयपुर के नाहरगढ़ रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन इन सीसीटीवी कैमरों के भी रखरखाव के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है, लिहाजा इन होटलों के भी सीसीटीवी बंद पड़े हैं। ऐसे में अब आप अनुमान लगाइए कि देश और दुनिया से राजस्थान पहुंचने वाले पर्यटकों को कैसे सुरक्षा मिलेगी। बात अगर पर्यटन विकास निगम की होटलों की करें तो प्रदेश में विभाग की करीब 29 होटलें चालू स्थिति में हैं, तो वहीं करीब 45 होटलें बंद पड़ी हैं। जो होटलें चालू हैं, उनमें कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। होटल में ठहरने के लिए पर्यटक मेल के जरिए जानकारी मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। ऐसे में पर्यटक निजी होटलों का रुख करते हैं और विभाग की होटलें घाटे में चल रही हैं। पर्यटन विभाग अपनी ही लापरवाही की वजह से घाटे में चल रहा है और पर्यटकों की सुरक्षा भी खतरे में है। हालांकि इस बारे में हमने विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।